फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और चीनी फाइनेंस मिनिस्टर लू जीवई के बीच अगले हफ्ते होने वाला फाइनेंशियल डायलॉग कैंसिल हो गया है। इस वार्ता से इतर अरुण जेटली आज 5 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग रवाना होंगे और 8वीं वित्तीय वार्ता समेत अलग अलग समारोहों में हिस्सा लेंगे। सूत्रों ने बताया कि वार्ता रद्द हो गई है और ये वार्ता इसलिए रद्द हुई है क्योंकि आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 7 दौर की वित्तीय वार्ताएं हुई हैं, लेकिन इन सब में प्रमुख भूमिका में दोनों पक्षों के वित्तीय सचिव थे। गौरतलब है कि 7वें दौर की वार्ता 2014 में नई दिल्ली में हुई थी। आधिकारिक तौर पर पहले बताया गया था कि दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता 27 जून को होनी है। वार्ता के जरिए दोनों देश हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर सालाना समीक्षा और चर्चा करते हैं। इसकी अवधारणा 2003 में तैयार की गई थी और अप्रैल 2005 में इसके MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। 27 जून को दोनों देशों के बीच तय वार्ता रद्द होने के पीछे NSG को लेकर भारत और चीन में उभरे मतभेद को देखा जा रहा है। अपनी चीन यात्रा के दौरान वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार जेटली बैंकर्स और वेल्थ फंड मैनेजर्स के साथ बिजनेस इन्वेस्टर्स की मीटिंग को संबोधित करेंगे। जेटली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग में भी शामिल होंगे। 56 देशों के साथ इंडिया भी इसका सदस्य है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।